हेलो वेलकम एंड सो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे। तो गाइस बहुत ही जबरदस्त ब्लॉग बनने वाला है, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको, हसनापुर के अंदर एक मेला लगता है, ये काफी पुराना मेला है। बने रहिए मेरे इस न्यू ब्लॉग में, आपको दिखाऊंगा पूरा मेला कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ कहाँ मंदिर है, मंदिर की जानकारी। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं द्रौपदी घाट के दर्शन करने के लिए। मेरे साथ मेरे दोस्त है, कुछ देखिए, बहुत ही जल्दी दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को द्रौपदी घाट। फाइनली गाइस ये सामने आप लोग देख रहे होंगे, ये है द्रौपदी घाट। यहाँ पर द्रौपदी केस वगैरह स्नान किया करती थी। ये देखिए काफी बड़ा ये द्रौपदी घाट है, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। आप लोग देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं द्रौपदी घाट पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो गाइस ये देखिए द्रौपदी घाट में आई हुई है कोई महिला, बात करते हैं इनसे। तो आपको कैसा लग रहा है द्रौपदी घाट पे आए हो आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है भैया मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है, किस चीज के लिए आते हैं यहाँ पे द्रौपदी घाट के लिए? भाई मैं तो दूसरी बार आई हूँ, एक बार पहली बार आई थी। अच्छा, दो तीन साल में आए हैं, ये पहली बार आई है, हमारी सासू जी हैं। अच्छा, ये इनकी सासू जी हैं, पहली बार आई हैं। कैसा लग रहा है आपको द्रौपदी घाट आते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए गाइस काफी महिलाएं हैं यहाँ पे, दूर दूर से आती हैं। देखिए गाइस ये द्रौपदी घाट का एक मंदिर है, यहाँ पे मांगी जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है, तो गाइस उस पे प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। देखिए काफी ज्यादा महिलाएं हैं। गाइस ये देखिए द्रौपदी घाट पर हर साल यहाँ पर भंडारा किया जाता है। देखिए आप लोग सामने खाना बन रहा है, यहाँ पर भंडारे की फुल तैयारी की जा रही है। कुछ ही समय में भंडारा रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर मैट वगैरह बिछाई गई है। देखिए गाइस बात करते हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं। भाई आपका क्या नाम है? संजू कुमार नाम है आपका। तो यहाँ पे जहाँ हम द्रौपदी घाट पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने साल से भंडारा किया जाता है? मतलब भंडारा तो यहाँ पर जो किया जाता है, ये लगभग 4 से 5 साल हो गए भंडारा करते हुए हमें। अच्छा, पर लेकिन जो मेला लगता है ना, ये हमारे दादाजी बताते थे उनके समय से। अच्छा, तो ये टाइम पीरियड काफी लॉन्ग है। हाँ, तो मेला काफी प्राचीन है, महाभारत कालीन कह सकते हो। अच्छा, देखिए कमेटी का जो है गांव की समिति के अनुसार होती है। जो भंडारा का सिस्टम है ये गांव का एक पर्टिकुलर वो होता है, मतलब संगठन। हाँ, तो उसके द्वारा चंदे इकट्ठा करते हैं और फिर हम भंडारे का आयोजन करते हैं। तो यहाँ पर जो द्रौपदी घाट पर कुछ चार्ज वगैरह कोई देते हैं यहाँ से? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं देते हैं, सब गांव से इकट्ठा कर चंदा यहाँ पर भंडारा निःशुल्क वगैरह से कोई सेवा करते हैं आप लोग? पर काफी घना जंगल है, बहुत ही डरावना जंगल है। हमें ऐसा लग रहा है कोई जिनावर, कोई पक्षी, कोई चील भूत चुड़ैल ना आ जाए। देखिए गाइस कितनी ज्यादा पब्लिक है हमारे पीछे। हम हसनापुर के अंदर एक गुफा दिखाते हैं जिसका नाम है प्राचीन बिंदुर गुफा। देखिए गाइस ये बंद है और इसको हम ओपन करते हैं। देखिए गाइस काफी डरावनी गुफा है, देखिए आपको दिखाता हूँ मेरे साथ। देखिए कितने ज्यादा लोग हैं इसको देखने के लिए आए हैं गाइस। देखिए काफी ज्यादा भीड़ है इस गुफा को देखने के लिए आए हैं।
देखते हैं गाइस इसके अंदर को चलकर। देखिए गाइस काफी अंधेरा है इस गुफा में, और देखिए यहाँ पर पूजा वगैरह की जाती है। आप लोग देख रहे होंगे सामने एक छोटी सी गुफा है, यहाँ पर पूजा होती है। फाइनली हम जा रहे हैं द्रौपदी का कुआं देखने के लिए। देखिए गाइस ये मेरे गांव से हैं, कितने ज्यादा लोग हैं हमारे गांव से आए हैं द्रौपदी का कुआं देखने के लिए। गाइस चलते हैं। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ द्रौपदी वाले कुएं पर, जहाँ पर द्रौपदी पानी ले जाया करती थी और उसी पानी से खाना वगैरह बनाया करती थी, और पांडव उसी पानी से स्नान भी किया करते थे। गाइस ये काफी गहरा कुआं है, आप लोग दिखाता हूँ मैं आप लोगों को द्रौपदी का कुआं। देखिए काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, काफी ज्यादा इस टाइम पे लोग दूर दूर से आए हुए हैं। देखते हैं गाइस आपको भी दिखाता हूँ आपको द्रौपदी का कुआं। देखिए गाइस काफी गहरा है ये कुआं, देखिए इस टाइम पे प्रेजेंट कर रही है, चल रहा है कुआं। देखिए आपको जूम दिखाता हूँ मैं, इस टाइम पर ये पानी निकाल रहे हैं। देखिए गाइस देखिए गाइस यहाँ पर कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, यहाँ पर द्रौपदी के कुएं पर आई हुई है। यहाँ पर देखिए गाइस कितनी ज्यादा भीड़ है। चलो गाइस फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ जो पांडवों का प्राचीन जो महल था। गाइस ये देखिए आप लोग ये सामने ये पांडवों का महल था कभी। देखिए गाइस यहाँ पर कुछ सीढ़ी हैं, इसके अकॉर्डिंग हम नीचे उतरते हैं। गाइस आपको दिखाता हूँ मैं पांडवों का जो पुराना महल था जहाँ पर ये रहा करते थे। देखिए गाइस हम इस टाइम पे खेड़े पर हैं जहाँ पर पांडवों का एक महल था, वो जेंट में ये जमीन के अंदर है, और कुछ दीवार है आप लोग को मैं दीवार दिखाता हूँ। पांडवों का जो महल था उसकी एक दीवार है आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस देखिए पांडवों के महल की देखिए कितनी बड़ी दीवार है, इस टाइम पर ये फूट चुकी है। ये प्रेजेंट में देखो कितनी इंच की ये दीवार है, जो आजकल की दीवार होती है करीबन 9 इंच की होती है, और ये करीबन 5 फीट की दीवार है। ये देख सकते हैं आप लोग ये नीवी, इसकी दिखाता हूँ आपको। देखिए काफ़ी गहरी है, काफ़ी पुराना है ये, देखिए काफ़ी पुरानी दीवारें हैं ये। तो गाइस फाइनली मैं हसनापुर में आ चुका हूँ, तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ हसनापुर के अंदर एक कैलाश पर्वत मंदिर है, उसके अंदर एंट्री करते हैं। गाइस तो आपको दिखाता हूँ के मंदिर के अंदर का नज़ारा कैसा है। तो चलिए गाइस चलते हैं हम कैलाश पर्वत के अंदर। फाइनली गाइस हम हसनापुर के अंदर एंट्री करते हैं, ये कैलाश पर्वत में है इस टाइम हम, हमारे गांव से आए हैं। ये मेरे साथ हैं कोशिंदर भाई, और ये सामने गुड्डू हैं, और मेरे भाई पीछे भी हैं, इनका नाम अजीत है, और ये दूसरे भाई हैं सुविंदर। देखिए गाइस हम घूमने के लिए आए हैं हसनापुर के अंदर, एक मेला लगता है वहाँ पे, हम आए हैं घूमने। गाइस हम चलते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर की ओर, पहाड़ियों के अकॉर्डिंग चढ़ना पड़ रहा है हमें। दिखाता हूँ गाइस आप लोगों को ये कैलाश पर्वत का व्यू है, देखिए गाइस। फाइनल गाइस ये देखिए एक शीशे है नीचे, मैं बिल्कुल डरावनी फीलिंग्स है। देखिए गाइस गाइस कुछ लड़के यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं हसनापुर में, बात करते हैं भाई कैसा लग रहा है आपको घूमते समय? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और जहाँ पर आप लोग ये शीशे के ऊपर खड़े हो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत डरावनी लग रहा है ना। देखिए गाइस ये बहुत डरावनी सा है महसूस हो रहा है, इन्हें दिखाता हूँ आप लोगों को। और तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ कैलाश पर्वत के फर्स्ट फ्लोर पर, दिखाता हूँ आप लोगों को कितना सुंदर व्यू है। देखिए गाइस बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे घूमते समय।
गाइस मैं आ चुका हूँ जम्बूद्वीप के अंदर, हसनापुर में स्थित है ये जम्बूद्वीप। तो गाइस मैं इसको भी दिखाता हूँ आप लोगों को, बने रहिए न्यू ब्लॉग में। चलते हैं गाइस जम्बूद्वीप के अंदर, एंट्री करते हैं गाइस हम। तो फाइनली गाइस ये देखिए मैंने जम्बूद्वीप में एंट्री कर ली है गाइस, काफी मजा आ रहा है मुझे घूमते। ये देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ पर, हसनापुर के अंदर जम्बूद्वीप है और कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, आप लोग आना कभी यहाँ पे घूमने के लिए तो गाइस जम्बूद्वीप पर जरूर जाइए। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ तीन लोग की यात्रा, ये लिफ्ट के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। रखने तो गाइस देखिए हम जा रहे हैं तीन लोग की यात्रा करने, जैसे लिफ्ट के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। देखिए गाइस हम बैठ चुके हैं लिफ्ट के अंदर, फर्स्ट टाइम हम तीन लोग की यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए गाइस देखिए गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं ऊपर फ्लोर पर। देखिए गाइस ऊपर जल्दी पहुंचे तो गाइस हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। देखिए गाइस तो गाइस जो लिफ्ट होती है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से लिफ्ट चलती है इसी के अकॉर्डिंग। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।